सम पूर्ण मंदिर सर्ववांछित पूर का कामित पूरण काम कुंभ काम धेनु कल्प द्रुमा अभय दाता चक्षु दाता शरण दाता जगत ना अभय दाता चक्षु दाता शरण दाता जगत ना एवा प्रभु शंखेश ने पंचांग भावे हूँ नमो विश्व वत्स
विजय महाराज कच्छ वागड़ तारका धीर बुद्धि तिलक शांति रत्न शेखर सुरीवरा शिष्य तस दीक्षा ग्रहे अठम करी शंखेश्वरा शिष्य तस दीक्षा ग्रहे अठम करी शंखेश्वरा एवा प्रभु शंखेश ने पंचांग भावे हूँ नमो राजनगर मा सहस्त्र दोए साठ वर्षे चैत्र मा मिलन थता लघु भ्राता रत्नाकर सूरीवरा भद्रानंद वंदनावली गाई पार्श्व शंखेश्वरा भद्रानंद वंदनावली गाई पार्श्व शंखेश्वरा एवा प्रभु शंखेश ने पंचांग भावे हूँ नमो शंखेश्वरा
मेघ समझे गगन गामिनी नमे नाथ शंखेश्वरा देवा प्रभु शंखेश ने पंचांग भावे हूँ नमो शत्रु
जेहनी कानी कुंडल चमकता वरदान देती भक्त गण ने निरंतर प्रसन्न मुखा कमल करणी कवास करती नमे नाथ शंखेश्वरा कमल करणी कवास करती नमे नाथ शंखेश्वरा एवा प्रभु शंखेश ने पंचांग भावे हूँ नभु पंचांग भावे धरणेन्द्र सुरपति अवधि
प्रशम मंदिर बोधि मंदिर सहज धन सुख मंदिरा सकल कुशल महामंदिर सर्व संपत्ति मंदिरा चिदानंद घन महानंद घन मुक्ति घन सुख मंदिरा चिदानंद घन महानंद घन मुक्ति घन सुख मंदिरा एवा प्रभु शंखेश ने पंचांग भावे हूँ नमो कार्म
कंध कंठ भाल शीर भुजा युगल अंगमा पीठ पुंठ प्रदेश अस्ति सर्व अंगोपांगमा ध्यान धरता मुक्ति कामे नमे नाथ शंखेश्वरा ध्यान धरता मुक्ति कामे नमे नाथ शंखेश्वरा एवा प्रभु शंखेश ने पंचांग भावे हूँ नमो पंचांग भावे हूँ नमो हाँ।
सहस्त्रलक्ष मानवी आवे प्रभु ने भेटवा घोड़े सवार सुरभि स्वरूपे शिखर दीपक प्रगटावता मार्ग भुलाने मार्ग बतावे देवता तुझ सेवका मार्ग भुलाने मार्ग बतावे देवता तुझ सेवका एवा प्रभु शंखेश ने पंचांग भावे हूँ नमो पंचांग भावे हूँ नमो वासुदेव कृष्ण जी से स्थापित शंखेश्वर महातीर्थ पार्श्वनाथ प्रभु जी के गणधर बनकर मुक्ति पाओगे। गत 24 में श्री दामोदर तीर्थंकर से ये बात सुनकर आषाढ़ी नाम के गृहस्थ श्रावक ने भावी उपकारी पार्श्वनाथ मूर्ति बनवाकर पूजा और जिस जिस देवलोक में उत्पन्न हुए वहां प्रभु मूर्ति ले आकर भक्ति से पूजा। अंतिम भव में ये मूर्ति पाताल देवलोक में पद्मावती देवी के पास थी जो कृष्ण वासुदेव ने देवी से प्राप्त की। युद्ध भूमि में पार्श्वनाथ प्रभु का स्नात्र जल छंटकाव के साथ कृष्ण सैन्य उठकर खड़ा हुआ और बहादुरी पूर्वक शत्रु के साथ युद्ध करके कृष्ण जी ने महाविजय प्राप्त किया। द्वारकाधीश कृष्ण जी ने लाखों करोड़ों शंखनाद के साथ युद्ध भूमि में ही पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिष्ठा की। पंचजन्यादि करोड़ों शंखनादों से ये मूर्ति शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु के रूप से जगत भर में प्रसिद्धि को पाई है। पाश पंकज अग्नि शिखा चंचल समा कर धरी ओम आम क्रोम ह्रीम मंत्र कलिमल छारता पाताल भेदी गगन गमना नमे नाथ शंखेश्वरा पाताल भेदी गगन गमना नमे नाथ शंखेश्वरा एवा प्रभु शंखेश ने पंचांग भावे हूँ नमो पंचांग भावे पद्म प्रभा सर्प लीला धरी पद्मा
जय शंखेश्वरा। रिमकार वरिमकार गिरी एवं विजय पताका पार्श्वनाथ महातीर्थ स्थापक परम पूज्य आध्यात्मिक योगी ज्योतिष शिल्प विशारद विजय पताका महायंत्र संशोधक परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री भद्रानंद विजय जी गणिवर रचित शंखनाद शंखेश्वरा। क्षेत्रे दक्षिणार्थ भरत मा अतीत चौबीसि दुषम सुषम काल असंख्य पूर्व मा जगत तारण हार साई प्रगट धया शंखेश्वरा। जगत तारण हार साई प्रगट थया शंखेश्वरा। एवा प्रभु शंखेश ने पंचांग भावे हूँ नमू। पंचांग भावे वंदी मन शुद्धे उपकार
तारी जिन ध्यावता घेरावी प्रभु ध्याने रमतो चिदानंद उमंग मा पार्श्वनाथ जिन बिंब भरावे भावी पार्श्व शंखेश्वरा पार्श्वनाथ जिन बिंब भरावे भावी पार्श्व शंखेश्वरा देवा प्रभु शंखेश ने पंचांग भावे हूँ नमो पंचांग भावे हूँ नमो कृष्ण
स्मरायो कृष्ण लाते राजसभा सहु देखता जरासंध तात पासे कंस पत्नी आवता भूमि जे युद्धे चढ़या त्या प्रगट थया शंखेश्वरा भूमि जे युद्धे चढ़या त्या प्रगट थया शंखेश्वरा देवा प्रभु शंखेश ने पंचांग भावे हूँ नमो पंचांग भावे देवा प्रभु शंखेश ने